Hello everyone, this is Madhuri Chaurasia in front of you. In this video, we are going to learn again some verbs form. But before that, I would love to tell you, I am a student of this language. And of course, always want to be a student of this language. So, if I make some kinds of mistake, please do comment below and try to correct my mistake. Okay, because we all are learning this language together. I am a student of this language, you are a student of this language, and we all are student of this language. I know, I am making, little bit mistake, but that doesn't mean I don't know how to speak this language. I'm in learning process, so of course I will make, no doubt. Okay. Let's begin this video, because without verbs form we cannot speak this language. So first I want to provide you at least 200 or 300 verbs form. That is enough to speak this language. And of course, jaise classes aayegi, we are going to learn this language. Okay, let's begin. I don't want to waste your precious time, not at all. Hope the board is visible. The first one word of today's is lean. Lean. Lean means झुकना. Yes. Bend मतलब भी झुकना होता है. मैंने बताया था bend. Lean मतलब भी झुकना होता है. Second form of this word is leaned. Leaned. And the third one is also same. Fourth, you have to make leaning, and fifth, you have to make leans. Got it? And if you can create at least one sentences, do it. That will really help you to enhance your English language. The second word of today is leap. Leap means kudna, uchalna. Jump patlan bhi kudna hota hai. Leap, kudna, uchalna. Lift ho jayega, lift. Why? मैंने ये सारे क्यों ऐसे लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की गलतियाँ हो. पिछले वीडियो में एक दो वर्ड का मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रही थी, तो मैं नहीं चाहती कि आगे भी इस तरह की कुछ गलती हो, आप सबको झेलना पड़ेगा. तो बेहतर है कि मैं लिख दूँ थोड़ा सुविधा के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा. लिफ्ट इसका सेकेंड फॉर्म है, एंड लिफ्ट इसका थर्ड फॉर्म भी होता है, कूदना उछलना. ठीक है. लर्न. लर्न मतलब इंग्लिश, सॉरी, लर्न यानी सीखना, सिखाना होता है. किसी भी चीज़ को सीखना या सिखाना है, ठीक है, उसको लर्न कहते हैं. उसका सेकेंड फॉर्म होता है लर्नड एंड लर्नड. थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, ये भी होता है और लर्न भी होता है, दोनों होता है. ठीक है. और उसको सेकेंड फॉर्म इसको लर्नड भी पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगता है, तो ये बोलिएगा लर्नड, लर्नड. लीव यानी छोड़ना होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव होता है वो. लेफ्ट होगा इसका सेकेंड फॉर्म, एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम. लेंड यानी उधार देना, लाइक आई लेंट मनी फ्रॉम हर. I lent money from her. मैंने उससे पैसे उधार लिया, वो उसका मीनिंग होता है. तो lent यानी उधार लेना होता है. सेकेंड फॉर्म इसका हो जाता है lent, एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम. ओके. लेट यानी किराया लगाना, कहते हैं ना टू लेट लिखा रहता है. टू लेट यानी यहाँ किराया लगाया जाता है, उसका मीनिंग वो होता है. लेट 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 होता है, ये तीनों इसका सेम होता है. लाई यानी लेटना होता है, लाई लेटना, सहारा लेना. ठीक है. लाई यानी सहारा लेना. ले हो जाएगा और लेन हो जाएगा, ले लेन. और इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लाइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा लाइज. लाई यानी झूठ बोलना होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है लाइड. द थर्ड फॉर्म इज ऑफकोर्स सेम, लाइट.
लाइट यानी प्रकाशित करना होता है, प्रकाशित करना, जैसे बल्ब जल रही है और ये प्रकाशित है कमरा, दैट इज लाइट. लिट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम, लिट. होप यू गॉट इट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम अदर वर्ड्स. लीव यानी रहना होता है, लीव. लीव लिव्ड. लुक यानी देखना होता है, लुक्ड. लुक्ड. लूज यानी होना होता है, होना. लॉस्ट, लॉस्ट. मेक यानी बनाना होता है, बनाना मतलब कोई चीज बनाना, बनाना नहीं. मेड, मेड. मैरी यानी शादी करना होता है और इसका बन जाएगा मैरिड एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम. चलिए वेडिंग और मैरी में मैं अंतर बता देती हूँ. मैरी यानी होता है शादी के बंधन में बंधना, वो जो रिश्ता होता है शादी का वो होता है मैरी. और वेडिंग मतलब जो आपका डे में शादी हुआ है, जैसे 23 तारीख को किसी का शादी हुआ है तो वो है वेडिंग डे. जैसे कि हम लोग किसी को विश करते हैं तो वेडिंग डे विश करते हैं, मैरी डे विश नहीं करते हैं. शादी के बाद का जो बंधन बंधा है वो मैरी कहलाता है. और जो जो दिन में शादी होता है वो वेडिंग डे कहलाता है. यही इसका अंतर होता है. मीन यानी अर्थ निकालना होता है, अर्थ बनाना होता है. मिंट हो जाएगा एंड मिंट. मीट यानी मिलना होता है, मेट. मिस्टेक यानी गलतियाँ करना, गलती करना होता है, भूल करना होता है. मिसटूक हो जाएगा एंड मिसटेकन हो जाएगा. पे यानी भुगतान करना होता है, पेड, पेड. लीजिए इस तरह से बनाना है इसको. एंड या वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, यू कैन टेक इन स्क्रीन शॉट एज वेल हियर. हाँ ओके. सो मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ एक चीज़. ओके सो बाहर कुछ आवाज़ आएगी, अभी भी सबमर्सिबल हो रहा है, वो जो मोटर धसा रहा है तो आवाज़ आएगी. काइंडली अवॉइड इट. आई नो इट्स क्वाइट टफ टू हैंडल बट काइंडली अवॉइड इट. I want to tell you one thing as well, friends. एक से दो वीडियोस में ज़्यादा ज़्यादा तीन वीडियो में सारे वर्ब्स के फॉर्म ख़त्म हो जाएगी. इसके बाद फिर मैं वही पार्ट वन पार्ट टू करके स्पोकन इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ. ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे क्या सिखाना है, कब सिखाना है. मैं जानती हूँ कब बच्चों को क्या ज़रूरत है, कहाँ वो कैसी गलतियाँ करते हैं. मैंने सीखा है इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से, मैं सीख रही हूँ एक अच्छे टीचर के पास. डेफिनेटली कुछ मेरे पास अनुभव है, कुछ नहीं तो कुछ है ही. तो बस यही कहना चाहूँगी, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसा बेशक मैं नहीं कहना चाहती हूँ. पर हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या आपको पढ़ाने वाली हूँ और आपको कैसे पढ़ाना है, ये मैं सीख रही हूँ. बस मैं इतना कहना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है आप लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे पता है कि ये सारे ज़रूरी है चीज़ों को सीखना. तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी. ठीक है, ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं जो बोरिंग चीज़ है वो ज़रूरत की नहीं होती है, और जो हवा बना के रखते हैं कि हाँ ये रट लीजिए तो सीख जाइएगा वही ज़रूरी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है. बस लगे रहिए, थोड़ा सा सही तरीके से सीखिए, कम टाइम लगेगा पर सीख जाइएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.